हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इसके पहले हमने मैथ सब्जेक्ट पढ़ा है। ओके, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ तो भी नया। ओके, तो क्या नया पढ़ने वाले हैं हम? कंसेप्ट ऑफ जीरो, है ना? हमने जीरो सुना था, लेकिन वो कैसे रहता हमने देखा है क्या? नहीं देखा है। देखा है क्या? तो आज हम उसके बारे में देखने वाले हैं। तो अपना टेक्स्ट बुक जल्दी से ओपन कीजिए, मैथ्स का टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 19। ओके, तो देखिए, ओपन किया सभी ने टेक्स्ट बुक? तो हमें वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? उस इसमें एक पिक्चर दिखाई दे रहा है ना? और उस पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? वॉल पे हमें 3 बर्ड्स दिखाई दे रहे। फिर आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये तो बर्ड है। फिर सेकंड पिक्चर में हमने क्या देखा कि 3 बर्ड्स थे, है ना? देखिए, समझिए, ये 3 बर्ड्स है। ओके, ब्लैक, रेड एंड ग्रीन। ओके, तो इसमें से हमने ब्लैक को किसी को दे दिया है, ठीक है? तो फिर हमारे पास कितने रह गए अभी? 2। ओके, तो 2, एक 1 रेड एंड 1 ग्रीन। फिर से आपको ये चाहिए था, तो मैंने फिर से आपको दे दिया। कितना रह गया? 1 ओनली ग्रीन। अभी ये भी किसी को चाहिए था, तो मैंने दे दिया। अब क्या रह गया? कुछ भी नहीं, नथिंग। नथिंग मीन्स जीरो, नथिंग मीन्स जीरो। बट आपने सोचा है कि जीरो तो हमने देखा है कहाँ पे? 10, है ना? 10 में जीरो देखा है, 1 आफ्टर 0। लेकिन उसे हम 10 बोलेंगे, जीरो बोलेंगे क्या? नहीं। तो जीरो मीन्स जीरो कम्स बिफोर 1, ठीक है? एंड जीरो इज द सिंबल। जीरो का सिंबल क्या है? ये जीरो का सिंबल ये है। आप इसे ओ बोलेंगे क्या? ABCD का ओ है क्या ये? नहीं, ये जीरो का सिंबल है, ठीक है? तो ये सिंबल क्या बताता है? जीरो, एंड जीरो कम्स बिफोर 1। हमने देखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है? देखिए, 1 से लेकर 10 तक हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आपको कहीं पे जीरो दिखाई दे रहा है क्या? यस, आप बोलेंगे कि टीचर, मुझे तो ये 10 में 0 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके पहले क्या है? 1 है, 1 आफ्टर 0 है, 0 बिफोर 1 है। हमने बिफोर आफ्टर नंबर पढ़े हैं, तो 0 बिफोर 1 एंड 1 आफ्टर 0, तो ये क्या हो गया है? 10 हो गया है। हमने क्या देखा है? 0 कम्स बिफोर 1, ठीक है? तो 1 के पहले आता है, तो 1 के पहले मीन्स यहाँ पे रहेगा वो, यानी पहले 0 आएगा, फिर 1 से लेकर 10 तक, है ना? तो 10 के बाद हम 1 से लेकर 100 तक नंबर देखते हैं, तो वहाँ हमें 10, 20, 30, 40 ये नंबर दिखाई देते हैं, ना? इसके बाद में 0 है, जो आगे में नंबर है उसके बाद में 0 है, तो उनका काउंटिंग उस नंबर से जुड़ जाता है, यानी 10 की टेंस वंस ऐसे हो जाता है, ठीक है? लेकिन 1 के पहले वो आता है, उसे 0 बोला गया है, यानी नथिंग मीन्स 0। हमारे पास कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है ना? हमारे पास अगर एक भी चीज़ रही तो उसको हम काउंट करते हैं, 1, 2 रही तो 2, 3 रही तो 3, लेकिन जो कुछ भी नहीं है उसे 0 बोला गया है। आपको समझ में आया 0 मतलब? 0 मीन्स क्या है? नथिंग, कुछ भी नहीं। और 0 कब आता है? 1 के पहले आता है, ठीक है? ये 1 के पहले 0 आता है, और 0 का सिंबल क्या है? ये है, ठीक है? तो आपको सिंबल लिखना है, ये 2 सेंटेंस भी लिखने हैं आपको, ठीक है? अभी मैं आपको थोड़ा सा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में 0 समझा के देती, ठीक है? 0 कहाँ पे आता है? अगर हमने एडिशन किया, ठीक है, जो हमने नंबर दिया उससे अगर हमने 0 को ऐड किया, तो हमें वही नंबर आता है, यानी वो एडिशन में आता है क्या? नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो कुछ है भी नहीं, है नहीं ना, इसलिए नहीं आता है। 1 प्लस 1 रहा तो 2 आएगा। हमने किया है काउंटिंग, पढ़ी है हमने, एडिशन भी हमने लिया है, तो जो भी 1 और
टू नंबर रहे तो उसका आंसर रहेगा, उनकी एडिशन की तो आंसर रहेगा, बट वहाँ पे अगर जीरो रहा है तो वन प्लस जीरो वन। फिर से एक एग्जाम्पल लेंगे हम, फाइव प्लस जीरो, यस वेरी गुड, फाइव प्लस जीरो फाइव, फोर प्लस जीरो, यस फोर, वेरी गुड, सिक्स प्लस जीरो सिक्स। मतलब हमने एडिशन में क्या पढ़ा कि जो भी नंबर है उसको जीरो से ऐड किया तो वही आंसर आता है। ये बात आपको समझ में आई? क्या समझाया मैंने कि टू नंबर का जब एडिशन होता है, जो दो अलग अलग नंबर है, तो उनमें से एक नंबर अगर जीरो रहा और एक नंबर नंबर्स रहा, ठीक है ना, तो उनका जो एडिशन होता है वो क्या आता है, वही आंसर आता है, ठीक है। यानी जीरो से जो भी हमने ऐड किया तो वही नंबर हमें आंसर में मिल रहा है ना। अगर हमने वन प्लस वन किया तो टू, टू प्लस टू फोर, पढ़ा है हमने इजी वन डिजिट एडिशन पढ़े है ना, तो जीरो का आंसर वही नंबर आता है, ठीक है। अभी हम सब्ट्रैक्शन में देखेंगे है ना। देखिए ये क्या है, सब्ट्रैक्शन का साइन है ना। कौन सा नंबर है बोलिए, टू माइनस वन, ओके टू माइनस वन, एज ये हमने टू फिंगर्स निकाले, उनमें से वन माइनस किया है, कितना आ रहा है वन, ओके हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, टू लाइन दी उनमें से हमने एक लाइन कम कर दी, कितनी बची वहाँ पे वन, तो टू माइनस वन वन। अभी ये नंबर्स क्यों हो गए, दो अलग अलग नंबर्स, अब हम वहाँ पे जीरो को लाएंगे, ठीक है ना, टू माइनस जीरो, जीरो की कोई वैल्यू ही नहीं है ना, उसका एडिशन भी हो सकता है नहीं हो सकता ना, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, तो टू माइनस जीरो टू, ओके थ्री माइनस जीरो वही थ्री। चलिए अभी मैं बड़ा नंबर देती आपको, ठीक है, नाइन माइनस जीरो, कितना बड़ा नंबर हो गया, नाइन से क्या आएगा, नाइन माइनस जीरो नाइन। तो आपको ये समझ में आया, अगर एडिशन किया तो वही नंबर आता है, माइनस किया तो भी जीरो को ऐड करो या जीरो से माइनस करो, जो नंबर वहाँ पे दिया रहता है वही नंबर हमें मिलता है। इस टॉपिक में हम सिर्फ क्या पढ़ने वाले थे, जीरो की कंसेप्ट जो है वो हमें क्लियर करनी थी कि नहीं, तो ये सब आपको समझ में आया है, ओके। तो आपको फाइव एडिशन के और फाइव सब्ट्रैक्शन के प्रॉब्लम आपको ये ऐसे लिखने हैं, ठीक है। इसके अलावा ये दो बातें भी आपको याद रखनी है हमेशा के लिए, ठीक है। तो अगर कभी आपकी मम्मी ने आपको दुकान से चॉकलेट लाने को कहे तो फिर आप क्या, कितने चॉकलेट लेंगी, फाइव रुपीज़ के फाइव, फिर आज एक खाएंगे, दोपहर को हम एक खाएंगे, शाम को हम एक खाते हैं, दूसरे दिन हम फिर से मॉर्निंग को एक खाएंगे, फिर आफ्टरनून को वन एक खाएंगे, यानी पांच बार हमने वो चॉकलेट खाए तो हमारे पास क्या रहा, जीरो। समझ में आया, यानी हमारे पास अगर जो चीज़ रही वो वहाँ से कम हो गई तो वो हो गया जीरो, नहीं रहा मतलब जीरो है। जैसे मेरे हाथ में ये डस्टर है, अभी नहीं है, क्या हो गया जीरो, और वन प्लस जीरो वन है ना, वन में जीरो ऐड किया तो भी वही नंबर आता है, और उससे माइनस भी किया जीरो तो भी क्या आता है, वही नंबर आता है। तो आपको ये समझ में आया, ओके, तो आप उसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट।